आप सब जानते हैं कि हमारा हमारे एक पड़ोसी हैं जो माने किस्म से, जैसे हम आईटी के एक्सपर्ट हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, वो इंटरनेशनल टेररिस्ट के एक्सपर्ट हैं। अब उनके यहां और सालों से ये चल रहा है कि हम इसका सामना कैसे करें, और इसमें जो है हम दुनिया में हम दुनिया को हम समझा पाए कि आतंकवाद जो है, कभी आप ये नहीं समझिए कि आतंकवाद राजनीति है या कूटनीति है। आतंकवाद आतंकवाद है, आज हमारे खिलाफ किया जा रहा है, कल आपके खिलाफ। एक तरफ भारत को दुनिया आईटी में एक्सपर्ट्स मानती है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान भी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद में एक्सपर्ट बन चुका है। भारतीय विदेश मंत्री का ये बयान पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को कांटे की तरह चुभ रहा है। पाकिस्तान इस कड़वे सच को पचा नहीं पा रहा है। जयशंकर के बयान से बौखलाया पाकिस्तान, अब भारत पर भी आरोप मढ़ रहा है और झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाने में जुट गया है। गुजरात में जयशंकर के दिए बयान के बाद पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की ओर से एक बयान जारी किया गया है। पाक विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, जयशंकर का ये कहना बताने के लिए काफी है कि भारत के नेता हर बार आतंकवाद को लेकर दुनिया को पाकिस्तान के खिलाफ गुमराह करने का काम करते हैं। इस तरीके के बयान गैर जिम्मेदाराना है और हम इसकी निंदा करते हैं। पाकिस्तान यही नहीं रुका और हर बार की तरह इस बार भी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की तरह पेश आने लगा। पाक विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में यहाँ तक दावा कर दिया कि भारत ही अपनी धरती से आतंकवाद का समर्थन करता है और उनके खिलाफ साजिश भी रचता है। पाकिस्तान का ये दावा कितना सच है ये तो पूरी दुनिया जानती ही है, क्योंकि चाहे वो मुंबई का 26/11 अटैक हो, उरी हमला हो या फिर पठानकोट एयरबेस पर हमला, हर बार पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान के आतंकी मंसूबों का पर्दाफाश हुआ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और ऐसे ही तमाम अहम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 डिजिटल।